तो गाइस आज हम करने वाले हैं बहुत सारे कलर्स वगैरह जो माइनक्राफ्ट में होते हैं। नहीं मानता। उसके लिए हमारे को मेरे सबसे पहले सर्वाइवल मोड में आना होगा, तो हम लिख देते हैं स्लेस गेम मोड सर्वाइवल। आखिरी कलच आप देख के हैरान हो जाओगे, बहुत कलच है, बहुत मुश्किल है जो हमारे को यहाँ से करना पड़ेगा। इसमारी जो मैं कंप्लीट करूँगा इस चेस्ट में रखूँगा, ये सब कलचेज करने वाले हैं क्योंकि मैं पॉपुलर एडिशन में खेलता हूँ, तो ये बोर्ड वगैरह कलच यहाँ इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं पॉपुलर एडिशन में। सबसे पहले स्लाइम वाला नहीं कर सकता, मैं हाथ फिसल गया, सॉरी। अब हैबिल की कर देंगे, हैबिल की वजह से हो गया। पता है ना मैं तो हूँ ना क्लच गॉड बोलते हैं मेरे को। नहीं कोई नहीं बोलेगा मैं क्लच गॉड नहीं हूँ। यहाँ पर मैं आगे ऊपर मर के स्लेश के लिए डालना पड़ेगा, ये जो मैंने कंप्लीट कर दिया इसके अंदर रख दिया। तो आप देखना स्लाइम क्लच कैसे करता हूँ 360 डिग्री, और ये स्लाइम क्लच हो गया दो बार मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। अब ये सब निकल के अब मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए हम करेंगे क्या कमांड स्लेश स्किल का कमेंट हो गया तो कॉल्ड मैन डाय सो जाते हैं, सुबह कर देते हैं क्योंकि रात में क्लच करने का मजा ही नहीं है, सुबह में कुछ अलग ही मजा है। ये भी हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारे दो क्लच कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे कोबवेब क्लच, और ये कोबवेब भी हो गया भाई, बहुत इजी था सबसे इजी। लेकिन अभी हमारे को दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा क्योंकि ये भी यहाँ पर अगर मैं क्लच के अगर इसके अंदर फंस गया तो पूरा क्लच बेकार चला जाएगा। मैं हूँ ना क्लच गॉड। अभी लास्ट वाले क्लच में देखना क्लच सॉरी अब यहाँ पर हम ये करने वाले, ये भी हमारा हो गया, बहुत इजी क्लच चीज़ है, बहुत हनी ब्लॉक वाला भी। जैसे हम क्लचेस करेंगे तो हम इस चेस्ट में रख लेंगे। ये अभी सुनो बकेट का कर रही हूँ तो बहुत इजी है, मैं ऐसे करूँगा जिससे पता भी नहीं चलेगा। देखो पता चला कि मैंने सोनो बकेट प्लेस किया था, नहीं ना ये वाटर बकेट सोनो बकेट वगैरह सब मेरे बहुत इजी है, मैं हर वक्त करता रहता हूँ हर एसएमपी में। आज एक और नई एसएमपी में मैं ज्वाइन होने वाला हूँ, उसका वीडियो अगले वीडियो आएगा, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर दें। अभी हम लोग वाटर बकेट एमएलजी 360 डिग्री, और ये वाटर बकेट एमएलजी भी हो गया, बहुत इजी था सबसे, इजी मेरे को वाटर बकेट लगता है क्योंकि मैं करता रहता हूँ ये से वाले करे चीज़। अभी कर दिया हमने, ये भी डाल दो, ये भी डाल देता हूँ सॉरी। अभी हम करेंगे लास्ट एंडरमैन, एंडर पर क्लच सबसे पहले, ये यहाँ पर देंगे हो गया। आपको कुछ नहीं कहा अंदर एंडर पर थोड़ा सा आगे फेंक देना है क्योंकि ऐसे क्लच हो जाते हैं वरना ऐसे नहीं होता क्लच। और अभी वापस सॉरी मैं वो वाला क्लच कर रहा था हनी जो ऊपर बना था, लेकिन वैसे नहीं हुआ क्योंकि पॉकेट एडिशन है। देखो वो ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे से, तो ऑप्शन ही नहीं हो रहा, वेट चेक करता हूँ ऐसे ही बनता है ना, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, दो तीन बार करूँगा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लास्ट ट्राई अगर हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो मैं इसे कट कर दूँगा क्योंकि पॉकेट एडिशन में इम्पॉसिबल है। नहीं हो रहा यार कैसे करूँ, आप अंडर बल मार के सॉरी नहीं हुआ तो हम ऐसे जंप कर लेते हैं। नहीं यार मुश्किल है वे हमसे नहीं होने वाला। तो ये समझ लो कि ये भी हमने कर दिया सी एंडरमैन एंडरपर्ल वाला भी सॉरी एंडरमैन हर बार वक्त आ रहा है। अभी जिस चीज़ का आप सबको इंतजार था, वन एंड ओनली सैंड क्लच जो बोलते हैं स्मार्टी पाई जो करता है सैंड वाला, देखते हैं हम कितने ट्राई में कर सकते हैं। दो सेगमेंट रखा, मेरे को पता है तो दो तीन अटैम्प्ट लगने वाले हैं, ये तो मैं कोई कट मार्क नहीं करने वाला, जितने आइटम लगेंगे मैं आपको बता दूंगी। एक फर्स्ट अटैम्प्ट था या मैंने कट करने का कोशिश किया लेकिन मैंने बोला नहीं पूरा वीडियो आपको दिखा लेता हूँ। सेकेंड अटैम्प्ट भी फेल होता हुआ, यहाँ मैं फुल कोशिश कर रहा था, मेरा सेंट प्लेस नहीं हो रहा था, अगर प्लेस हो रहा था तो नहीं हो रहा था ना कुछ भी, तो मैंने तब भी ट्राई करने लगा। यहाँ मैंने ऊपर एक सैन लगा लिया क्या थोड़ा सा वो क्या, तब भी नहीं हुआ। अब मेरे को इस टाइम आ गया था बहुत सारा गुस्सा, क्लचेस नहीं हो रहा, फाइनली पूरा हो गया था, लेकिन ये मैं हवा में कैसे हो रहा ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं नीचे था तो इस प्लेटफॉर्म में नहीं आ सका। यहाँ तो एक सेंट तक नहीं हुआ, छठे अटैम्प्ट होगा जहाँ तक कि आप लोगों ने गिना होगा तो सही है। ये अब देखो ये भी नहीं हुआ फेल, सातवां अटैम्प्ट भी आठवां अटैम्प्ट ये
और ये ऑलमोस्ट हो गया था और मैं नीचे गिर गया। देखो हवा में मर गया, गिरिश देख रहे हवा में मर गया। और ये देखो वापस, ये अगर करना हो ना तो जावा में कर सकते हैं, यानी कि लैपटॉप वगैरह में जल्दी हमारे से हो जाएगा। देख सकते हो ये हमारे से बहुत मुश्किल से हो रहा है। और ये मैंने फाइनली कर दिया था, फाइनली मैंने पूरा कर दिया, लेकिन तभी नहीं हुआ ये। अभी आपको लग रहा होगा हो गया, फाइनली पूरा हो गया था, आप देख सकते हो। लेकिन मैं नीचे था ना, मसला ये इस तरह से ऊपर नहीं जा सका। तो कोई बात नहीं, अभी हम करने रहेंगे ये वाला ग्लिच भी, और ये हो गया। बोला था ना हो जाएगा। तो क्या जाएँ, क्या इसके अंदर जाऊँ, क्या ऊपर जाऊँ, क्या यहाँ से भी ऑलमोस्ट हो गया था। कोई बात नहीं, सेंड वाला ग्लिच इसी के साथ हो गया कम्प्लीट। अभी लास्ट कोबले से, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसमें तो कुछ नहीं होगा। मैं 2-3 अटेम्प्ट से मैं कर दूंगी ये वाला, अभी मैंने बहुत किया है। लेकिन कब का मैंने कल चीज़ का क्या नहीं लिया था ना, ट्राई वगैरह कुछ भी नहीं किया था इस वजह से। अब मेरे को पिकेक्स लाना पड़ेगा अगर ये वाला कल वापस अटैम्प्ट सेकेंड भी फेल हो जाए तो। तोड़ो, टूट गया नहीं, अभी भी नहीं हुआ मेरे से। भी लाना पड़ेगा, अभी हो जाएगा अभी फिलहाल तो बन। ओ नो यार, नहीं हो रहा इससे। जब स्लेस पिकअक्स करने करके पिकअक्स ले लूँगा, ये तोड़ दूँगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो कल्चर्स वगैरह तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन भी दबा देना, लाइक भी कर देना। और ऐसे हमारा एक और सीरीज आने वाला है इलीगल SMP का, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। कल ही आ जाएगा या परसों, 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत अच्छा SMP है वो भी, देखते हैं उसके अंदर मन से क्या होता है, क्या बंदों में मारते हैं या स्ट्रप देते हैं। ये वाला अटेम्प्ट भी फेल हो गया, लेकिन अभी मैंने बोला बहुत हुआ। यहाँ मैं आया, मैंने ये स्ट्रप क्या किए, यहाँ फुल अटेम्प्ट करके चला गया। ये थी हमारी क्लचेस की वीडियो। मैं यहाँ पर बोला था कि सैंड क्लच करूँ, फिर मैंने बोला नहीं छोड़ दो सैंड।